हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेस प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं सिस्टम में। जो ज्वेलरी आइटम्स आप बाहर से खरीदते हो उसकी एंट्री आप बेस प्रोडक्ट सेक्शन में कर सकते हो, और उन बेस प्रोडक्ट्स को लेके, जैसे कि आप गोल्ड अगर खरीदते हो तो उस गोल्ड को पिघलाकर अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो आपके मास्टर प्रोडक्ट में आएगा, वो बेस प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स हम एंटर करेंगे जो हम बाहर से खरीदते हैं। जैसे कि हम एंटर करेंगे प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट का नाम एंटर करने के बाद हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं। और फोटो अपलोड करने के बाद हम उसके यूनिट्स एंटर करेंगे। तो यूनिट, क्योंकि हम इसे ग्राम से या केजी या लीटर किसी और यूनिट में मेजर नहीं करते, इसे हम पीस में मेजर करते हैं कि एक पीस दो पीस आया हमारे पास, कितना है हमारे स्टॉक में। हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे। जहां भी हमें, हम जिस प्रोडक्ट को केजी ग्राम से या उसमें मेजर नहीं करते उसे हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे। फिर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट हम एंटर करेंगे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो वरना ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर ओपनिंग स्टॉक हम एंटर करेंगे कि फिलहाल हमारे पास इसका कितना स्टॉक है। उसके बाद हम सबमिट क्लिक करेंगे, और इस तरह से हम जो है बेस प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। हम एक और प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे कि अगर आप रॉ रूबी लेते हो, रूबी लेके उसे पॉलिश करके अगर बेचते हो आप, तो हम पहले रॉ रूबी की एंट्री करेंगे बेस प्रोडक्ट में, फिर हम जो है मास्टर प्रोडक्ट में पॉलिश रूबी की एंट्री करेंगे। अगर इसे आप ग्राम से या केजी में मेजर करते हो तो आप वो यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, और फिर हम पर यूनिट जो है पर ग्राम का कॉस्ट एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो है ऑप्शनल है। उसके बाद स्टॉक हम फिर से ग्राम्स में एंटर करेंगे, ये स्टार्टिंग स्टॉक हमारे पास कितना है या ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका। ये वो स्टॉक है जो हमारे पास है जब हम सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम सबमिट क्लिक करेंगे। हम देखेंगे और एक प्रोडक्ट किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। जैसे हम सिल्वर अगर बाहर लेते हैं मार्केट से और उसे पिघला कर हम जब ज्वेलरी बनाएंगे आगे, हम यहाँ पे बेस प्रोडक्ट में सिल्वर बार एंटर करेंगे, फिर यूनिट जैसे कि ग्राम्स, फिर कॉस्ट पर ग्राम, और ओपनिंग स्टॉक कितना ग्राम सिल्वर है हमारे पास स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम सबमिट क्लिक करेंगे। इस तरह से हम जो है बेस प्रोडक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं सिस्टम में। ये वो प्रोडक्ट्स है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, खुद नहीं बनाते। इस तरह से जो है बेस प्रोडक्ट हम एंटर कर सकते हैं सिस्टम में। थैंक यू।